हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैप्पी मदर्स चैनल। तो आज मैं आपके सामने ये टॉपिक लेके आई हूँ क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो अपने मम्मी का जो फीडिंग होता है वो छोड़ के दूसरा जो मिल्क होता है, चाहे वो गाय का हो, फॉर्मूला मिल्क हो, कुछ भी आप पिलाना चाहें, दूसरा जो दूध होता है वो बच्चे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो क्यों? मतलब 6 महीने के बाद में, चाहे वो 1 साल के हो गए, चाहे वो 2 साल के हो जाएं, लेकिन उसके बाद जब वो मदर की फीडिंग जब वो छोड़ते हैं तो उसके बाद भी वो दूसरा दूध लेने के लिए तैयार नहीं होते। ऐसा क्यों होता है? इस टॉपिक आपके सामने। तो फ्रेंड्स, इसमें ये होता है कि जब छोटे बच्चे होते हैं, वो छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं तो ज़्यादातर बच्चे जो हैं अपनी मम्मी की जो दूध पी रहे होते हैं, तो उसके बाद में वो 6 मंथ तक, डॉक्टर्स बोलते हैं कि 6 मंथ तक उनको कुछ भी नहीं देना है, ना पानी दीजिए ना कुछ दीजिए। तो वो सिर्फ अपनी माँ के दूध पर ही उनको पोषण मिलता है और उसी पर वो आश्रित रहते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद में आफ्टर सिक्स मंथ जब मदर्स उनको दूसरा दूध देने के लिए रेडी करते हैं कि बॉटल से दें या चम्मच से दें या स्टार्ट करें उनको पिलाना, तो उस समय वो लोग उस दूध को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं पीना। क्यों? ऐसा क्यों होता है? कुछ कुछ केसेस में बच्चे पी लेते हैं क्योंकि उनके मतलब उनको टेस्ट का कोई असर नहीं होता है। उनको कोई भी चीज़ खिलाओ पिलाओ, वो लोग इस चीज़ में कहा जाएगा कि काफ़ी अच्छे होते हैं। अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि बच्चे अपनी मम्मी का दूध के अलावा दूसरा कोई दूध उस वक्त जब वो 6 महीने के होते हैं, आफ्टर 6 मंथ, वो लोग एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होते। उन्हें बिल्कुल भी टेस्ट उसमें नहीं आता है। वो दूध को उगलेंगे या चिड़चिड़ करेंगे या रोएंगे। तो इस वजह से वो गाय का दूध, आप चाहेंगे कि हम अपने बच्चे को गाय का दूध देना स्टार्ट कर दें, बट वो लेने के लिए रेडी नहीं होंगे। तो ऐसा क्यों होता है? फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं वो बोलते हैं कि 6 मंथ तक बच्चों को कुछ नहीं देना है। तो हम पूरा 6 मंथ तक उनको वेट करते हैं कि हाँ 6 मंथ का होगा तभी देंगे, पर ऐसा नहीं है। सब बच्चों के उनके वेट के हिसाब से बच्चों में ये अंतर होता है कि उनको किस मंथ से कितना क्या देना शुरू कर देना चाहिए। तो बच्चों को जो 5th मंथ जब स्टार्ट होता है, तो 5वें महीने में उनको क्या होता है कि जीभ में उनके टेस्टिंग सेंस जो होते हैं वो डेवलप होना स्टार्ट करते हैं। तो उस समय में टेस्टिंग सेंस डेवलप जब हो रहे होते हैं तो उनको वो चीज़ें टेस्ट कराना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो जब तक बच्चा 5 महीने के बाद, जैसे ही 5.5 महीने का लगभग हुआ, तो जब उसको 6th मंथ होने में उसको 15-20 दिन है, तो उस अंतराल में आपको क्या करना चाहिए कि बच्चों को उसी समय में चम्मच से 2-2 चम्मच टेस्ट कराना, गाय का दूध स्टार्ट कर देना चाहिए कि हाँ हमें अब उसके बाद में उन्हें गाय का दूध देना चालू करना है। तो आपको चम्मच से थोड़ा थोड़ा उन्हें स्टार्ट कर देना चाहिए गाय का दूध, कि आज 2 चम्मच दे दिया, फिर कल 2 चम्मच, ऐसे ही 4-5 दिन तक 2-2 चम्मच उन्हें टेस्ट कराया, फिर जैसे ही 4-5 दिन हो गए वैसे ही फिर से उनको थोड़ा वो डोज बढ़ा दिया कि 5 चम्मच दे रहे हैं, इस तरह से देते थे। 6 मंथ तक उनको, मतलब 5.5 से 6 महीने में उनको रोज़ गाय का दूध टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि उनके जो टेस्टिंग सेंस जीभ में, उनकी टंग में जो डेवलप हो रहे हैं, उनको वो चीज़ टेस्ट भी आ जाए। माँ के दूध के साथ जो माँ का दूध वो ले रहे हैं उसका टेस्ट, और उसका टेस्ट दोनों ही चीज़ों का, उनका जो टंग है वो उसको पहचान पाए। तो ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। और यही हम ज़्यादा दिन जब छोड़ देते हैं, 6 महीना 7 महीना बच्चों को कोई चीज़ दूध टेस्ट नहीं कराते, 8 महीने तक भी टेस्ट नहीं कराते हैं, तो उस वजह से क्या होता है कि उनके टेस्टिंग सेंस उस टेस्ट को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो टेस्ट उन्हें खराब लगता है, इस वजह से वो दूध उगलते हैं या उसे पसंद नहीं। ऐसे ही मतलब जो वो बेबी है, वो 6 मंथ से आपका जो बेबी है वो चालू हुआ, तो वैसे ही आप उसके बाद में दूध के साथ साथ उसको दूध के डोज जो हैं धीरे धीरे उनके बढ़ाते जाइए। साथ में उनको आप एप्पल का प्यूरी जो होता है छिलका निकाल के मिक्सी में करके, वो आप दूध के साथ उनको दे सकते हैं। साथ साथ में आप दाल का पानी दे सकते हैं, दाल का पानी के साथ चावल का पानी दे सकते हैं, और जो हमारा जो सिंपल वाटर है वो भी आप उनको थोड़ा थोड़ा देना अब स्टार्ट कर सकते हैं। बट आप जो भी चीज़ें दें स्टार्टिंग में, जब 6 मंथ का बेबी हुआ है तो आप उसके जो हैं जो उनको बहुत ही थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करें। जब 7th मंथ तक उनको थोड़ा थोड़ा ही एकदम दें, मतलब आप ऐसा सोचिए कि बस इसको टेस्ट करा रहे हैं हम इस तरह से। 7th मंथ के बाद थोड़ा थोड़ा डोज 2-2 चम्मच 3-3 चम्मच करके, जैसे उसके वेट और उसका खुराक है उस हिसाब से आप बढ़ाते जाइए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन बातों का आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे ऐसी गलती हो गई है कि 6 मंथ के बाद आपने ऐसा चालू किया, या 1 साल तक आपका बच्चा बहुत ज़्यादा नखरे कर रहा है दूध पीने में, वो दूध पसंद नहीं करता है पीना, और ऐसी गलतियां हो गई हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं उसके ऊपर, उस टॉपिक पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि आप क्या क्या ट्रिक्स अपना के बच्चों को अपने
आप दूध पीने की आदत डाल सकते हैं। उसके लिए थोड़ी सी आपको, अब ये गलती अगर हो चुकी है तो थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और उसमें भी ज़्यादा मेहनत नहीं, आप बस 1-2 महीने की मेहनत करिए तो फिर वो बच्चे दूध एक्सेप्ट करने लगेंगे। तो आप जो भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सवाल कर बच्चे सकते होते हैं। हैं। उनको बचपन में न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसमें कि आयरन और कैल्शियम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनको इस एज में मिलना, क्योंकि जब उन जो उनका प्रोसेस जो है दांतों का चालू होने वाला है, उनके जो दांत निकलने वाले हैं, तो 6 मंथ के बाद में उनको कैल्शियम और भी ज़्यादा ज़रूरत है मिल कि कैल्शियम ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए। और साथ ही साथ में उनको, हमें ज़रूरी है कि मदर फीडिंग के साथ साथ वो जो है साथ साथ में जो गाय का दूध जो भी आप दे रहे हैं या फिर कोई भी फॉर्मूला आप दे रहे हैं मिल्क फॉर्मूला, तो आप वो साथ साथ में देते रहिए। और धीरे धीरे जैसे ही वो 1 ईयर के हो जाएं तो उनको सुबह शाम दोनों टाइम देने लगिए। और फिलहाल आप एक टाइम भी उनको अगर दे रहे हैं तो चलेगा, आप एक टाइम की ब्रेस्ट फीडिंग को बंद करके उनको गाय का दूध 6 महीने के बाद में धीरे धीरे स्टार्ट करिए, और इससे उनको कैल्शियम की और आयरन की और बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स की जो है भरपूर पोषण मिल जाएगा, और वो उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा और दांतों को निकलने में भी देरी नहीं होगी। अगर आप बच्चों को अपने जो है दूध का बॉटल देना चाहते हैं तो आप बॉटल दे सकते हैं, पर उसको आप अच्छे से साफ सफाई जो है बॉटल की वो रखिएगा, और ताकि उसमें किसी भी तरह का डस्ट ना लगे बॉटल के निप्पल पर। और उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो बच्चों को लूज मोशन या सर्दी जुकाम जैसे प्रॉब्लम्स इन्फेक्शंस के हो सकते हैं, क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा चिपकने का निपल्स पे डर रहता है। तो उससे अच्छा मैं कहूंगी कि चम्मच से पिलाइए, कटोरी से, ग्लास से आप देना स्टार्ट करिए। 9 मंथ तक आपको ऐसा लगेगा, 9 मंथ के बाद बच्चे को आप खुद पकड़ा देंगे ग्लास से, वो खुद ही ग्लास से ऐसे लेके पी लेगा और बहुत ही वो कंफर्टेबल उसमें हो जाएगा। और बॉटल से जो ये आदत लगेगी उसे छुड़ाने में भी फिर एक आपको अलग ही मेहनत करनी पड़ेगी आगे चल के। तो इसीलिए मेरे हिसाब से मुझे अच्छा लगता है कि बच्चों को बॉटल ना देके ग्लास या कटोरी या चम्मच से ही दिया जाए तो वो ज्यादा बेटर रहता है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपको कहीं पे भी यूट्यूब पे कहीं पे भी ये वीडियो इस तरह का देखने को, ये नॉलेज देखने को आपको नहीं मिलेगी। ये एक्सपीरियंस मैंने काफी रिसर्च के बाद पता चला, क्योंकि मेरा खुद एक एक जो बेटा है वो 11 साल का है और दूसरा जो बेटा है वो 2.5 साल का है, तो उसके उन दोनों का मेरा जो है एक्सपीरियंस अलग अलग रहा है, और उन दोनों के बेसिस पे मैं आपके साथ में टॉपिक्स अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से शेयर करती हूँ। साथ में डॉक्टर्स की जो मैंने सलाह आगे अपने दोनों बच्चों में सुनी और अपनाई है उन चीज़ों को भी आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, और अगर आप नए आए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।